तो यूरोप महाद्वीप के बारे में हमने इतनी चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है यूरोप महाद्वीप का, प्रथम स्थान जनसंख्या की दृष्टि से एशिया का है। इसके अलावा यूरोप की और विश्व की सबसे व्यस्त नदी हमने डिस्कस की थी, राइन नदी को कहा जाता है। राइन नदी को कोयला ढोने वाली नदी भी कहा जाता है। जर्मनी में स्थित है ये, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत इसके किनारे पर है। हजारों झीलों वाला देश को कहा जाता है और सबसे लंबी नदी है बोल्गा नदी यूरोप की। ठीक है, इतना हमने डिस्कस कर लिया था यूरोप के बारे में। अब यूरोप के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि तीनों ओर से जल से घिरा होने के कारण, तीनों ओर से, तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है ये, तीनों ओर से जल से घिरा होने के कारण इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है जिब्राल्टर की संधि से, कि जिब्राल्टर की संधि किस किस के बीच में है। तो जिब्राल्टर की संधि ये है स्पेन और अफ्रीका के मध्य, किस किस के मध्य है, स्पेन प्लस अफ्रीका के मध्य जिब्राल्टर की संधि है। ठीक है, इसके अलावा जब स्पेन की बात आई है तो एक पॉइंट ये याद रखना है कि स्पेन में सर्वाधिक जैतून उत्पादित होती है, सर्वाधिक जैतून उत्पादित होती है स्पेन में। ठीक है, ये आपको याद रखना है स्पेन के बारे में। इसके अलावा जर्मनी में रूर प्रदेश है जिसे यूरोप का औद्योगिक हृदय भी कहते हैं। जर्मनी में रूर प्रदेश है जिसे यूरोप का औद्योगिक हृदय भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। जर्मनी में ही रूर प्रदेश है, राइन नदी भी यहीं से बहती है। अगर आपसे बात की जाए यूरोप की सर्वोच्च पर्वत शिखर की, किसकी, यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो यूरोप का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है काकेशस पर्वत श्रेणी का एल्बुर्ज पर्वत, एल्बुर्ज पर्वत। और ये किस श्रेणी पर है, ये है काकेशस पर्वत श्रेणी पर, काकेशस पर्वत श्रेणी। तो यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है ये एल्बुर्ज, काकेशस पर्वत श्रेणी पर स्थित है ये। बोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, बोल्गा नदी का जो उद्गम है, बोल्गा नदी का जो उद्गम है वो होता है बल्दाई की पहाड़ी से, बल्दाई पहाड़ी से होता है बोल्गा नदी का उद्गम। और ये गिरती कहाँ पर है, ये गिरती है कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर में जाकर ये गिरती है। क्वेश्चन ये भी आता है कि कैस्पियन सागर से कितने देश लगे हुए हैं, तो कैस्पियन सागर से टोटल 5 देश की सीमा लगी हुई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर बात की जाए जल विद्युत उत्पादन की, तो नॉर्वे में प्रति व्यक्ति जल विद्युत उत्पादन सबसे अधिक है, प्रति व्यक्ति जल विद्युत उत्पादन सर्वाधिक है नॉर्वे में, प्रति व्यक्ति जल विद्युत उत्पादन सर्वाधिक है नॉर्वे में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमने यूरोप के बारे में इतना डिस्कस किया था। देखते हैं यूरोप में जो शक्कर है वो चुकंदर से बनाई जाती है, विश्व का 50% चुकंदर भी यूरोप से प्राप्त होता है। अब एक टर्म आती है पोल्डर, क्या आता है पोल्डर, ये क्या है, कृषि भूमि की कमी को पूरा करने के लिए पूर्वी यूरोप के तटीय भागों को दलदल बनाकर कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है जिसे पोल्डर कहते हैं। यूरोप में पोल्डर क्या है, यूरोप में तटीय भागों को सुखाकर दलदल को
सुखाकर कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है। कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, पोल्डर कहते हैं। ठीक है, तो कृषि योग्य भूमि होती है पोल्डर। इसके अलावा विश्व की पहली जूट टेक्सटाइल मिल कहां पर स्थापित हुई थी? क्वेश्चन आता है कि विश्व की पहली जूट टेक्सटाइल मिल ये कहां पर स्थापित हुई थी? तो विश्व की पहली जूट टेक्सटाइल मिल ये स्थापित हुई थी डूनेंडी। ये डूनेंडी कहां पर है? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में विश्व की पहली जूट टेक्सटाइल मिल स्थापित हुई थी। अब आता है कि बाल्टिक प्रदेश में कौन कौन से देश आते हैं या फिर कौन कौन से स्थान आते हैं बाल्टिक प्रदेश। तो जो बाल्टिक प्रदेश है, बाल्टिक प्रदेश में उत्तरी पूर्वी यूरोप के एक तो एस्टोनिया आता है। कौन सी जगह आती है? एस्टोनिया। एस्टोनिया के अलावा आता है लाटविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इन तीनों जगहों को सामूहिक रूप से बोला जाता है बाल्टिक प्रदेश। ठीक है, अगर बात बात की जाए यूके की, आपने काफ़ी बार सुना होगा नाम यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से आते हैं? यूनाइटेड किंगडम में एक तो आता है ग्रेट ब्रिटेन और दूसरा शामिल है उसमें आयरलैंड। यूनाइटेड किंगडम में एक तो आता है ग्रेट ब्रिटेन और दूसरा इसमें शामिल है आयरलैंड। अब एक यूरोप की फेमस जगह है स्कैंडिनेवियन प्रदेश। स्कैंडिनेवियन प्रदेश, इसमें कौन कौन सी जगह आती हैं स्कैंडिनेवियन प्रदेश में? इसमें यूरोप के उत्तरी क्षेत्र के जो देश हैं जैसे कि नॉर्वे, नॉर्वे हमने डिस्कस किया था। नॉर्वे क्या है? नॉर्वे मध्य रात्रि सूर्य का देश है। नॉर्वे मध्य रात्रि में सूर्य यहाँ पर आता है। मध्य रात्रि में, मध्य रात्रि सूर्य का देश नॉर्वे को बोला जाता है। तो स्कैंडिनेवियन प्रदेश में कौन कौन से आते हैं? एक तो नॉर्वे आता है, एक आता है स्वीडन और एक आता है फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इन तीनों को सामूहिक रूप से बोला जाता है स्कैंडिनेवियन प्रदेश। नॉर्वे के बारे में, मध्य रात्रि सूर्य का देश है। फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है, यूराल नदी, यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर यूरोप को एशिया महाद्वीप से अलग करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोप को एशिया महाद्वीप से अलग कौन करता है? एशिया महाद्वीप से अलग कौन करता है? तो यूरोप को एशिया महाद्वीप से अलग करते हैं यूराल नदी, इसके अलावा यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ये यूरोप को यूराल पर्वत से अलग करते हैं। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का जनक इसी महाद्वीप को कहा जाता है, यूरोप महाद्वीप को ही, ये भी आपको याद रखना है। इसमें बाल्कन राज्य, बाल्कन राज्य कौन कौन से हैं? बाल्कन राज्य हैं सर्बिया और मोंटेनेग्रो। सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बुल्गारिया, रोमानिया, इसके अलावा अल्बानिया। अल्बानिया के अलावा मैसिडोनिया, क्रोएशिया, हंगरी, ग्रीस, टर्की, क्रोएशिया, इन सब जगहों को बोला जाता है बालकन राज्य। ठीक, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया था? पोल्डर यूरोप में तटीय भागों के जो दलदल होते हैं उनको सुखाकर जो कृषि योग्य भूमि की जाती है उसको पोल्डर कहते हैं। विश्व की पहली जूट टेक्सटाइल मिल स्कॉटलैंड में स्थापित हुई थी। बाल्टिक प्रदेश बोला जाता है एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया को।
यूके बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन प्लस आयरलैंड को। स्कैंडिनेवियन प्रदेश में नॉर्वे आता है, नॉर्वे को मध्य रात्रि सूर्य का देश कहते हैं। स्वीडन और फिनलैंड स्कैंडिनेवियन प्रदेश में आते हैं। फिनलैंड को हजारों झीलों का देश भी कहा जाता है। यूरोप को एशिया महाद्वीप से अलग कौन करता है? यूराल नदी, यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर। और बालकन राज्य कौन कौन से हैं? सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, हंगरी, ग्रीस, टर्की और क्रोएशिया। ते हैं बालकन राज्य में।